हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लाइफ। आपने पनीर की कई तरह की सब्जियां खाई होंगी। घर में कोई फंक्शन हो, मैरिज हो या पार्टी, किसी भी तरह की फंक्शन में पनीर की सब्जी ज़रूर बनती है और मोस्टली लोगों को पनीर बहुत पसंद भी आती है। आज मैं पनीर की जो सब्जी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है मुगलई पनीर। इसके लिए मैंने यहाँ दो प्याज छील कर काट कर धो कर रखा है, 7-8 लहसुन की कलियाँ छील कर रखी हैं, एक छोटा सा अदरक जिसको मैंने छील कर धो लिया है और एक बड़ी इलायची। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं जैसे काजू और बादाम। मैंने फ्लेम पर कढ़ाई को चढ़ा रखा था, कढ़ाई गर्म हो गई। अब मैं इसमें तेल डाली हूँ, रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल रही हूँ जिसे मैं लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसे एक कलछी की हेल्प से मैं बराबर चला रही हूँ। अब इसी में मैं बाकी लहसुन की कलियाँ जो मैंने छील कर धो कर रखी थी वो डालूँगी। एक छोटा अदरक का टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया और लहसुन की कलियाँ आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ और बड़ी इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे भी मैं मीडियम लो फ्लेम पर चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन सके। तो आप देख सकते हैं ये भुन गया है। अब इसी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे रही हूँ और इसको तब तक मैं भूनूंगी जब तक इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए। तो मेरा ये अच्छे से सब भुन चुका है, ये हल्के पिंक कलर का हो गया है और ठंडा होने के बाद मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसे मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल रही हूँ और एक चम्मच पानी भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये एक चम्मच पानी भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। मसाला मेरा पिस कर अच्छे से तैयार हो गया है जिसे मैं एक बोल में निकाल रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मसाला मुगलई पनीर के लिए पिस चुका है। यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से लंबे आकार में कट करते हुए बीच से मैं इसे कट कर दे रही हूँ। तो ये 150 ग्राम पनीर मैंने यहाँ ली थी जिसे मैंने काट लिया है और फ्लेम पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा रखी थी। कढ़ाई में थोड़ा ऑयल पहले से था, उसी में मैं थोड़ा ऑयल और डाल रही हूँ और अब लो मीडियम फ्लेम पे मैं सारे कटे हुए पनीर को फ्राई कर ले रही हूँ। जब पनीर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाएगा तब मैं इसे निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं पनीर मेरा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है जिसे मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो ये सारा पनीर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी बचे हुए तेल में मैं एक चम्मच बटर डाल रही हूँ, एक चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ, दो तेज पत्ते मैंने डाल दिया और दो छोटी इलायची डाली है, पांच लौंग के टुकड़े डाले हैं और इसी में मैं दो खड़े हुए सूखे लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच किचन किंग पाउडर और आधा चम्मच क्यूमिन पाउडर, एक चम्मच के लगभग धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। सबको मैं अच्छे से एक कलछी की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसमें पिसे हुए मसाले डाल दिए हैं और इसे बराबर मैं चला रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से पक सके। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने 5 चम्मच दही ली थी जो मैंने इसमें डाल दी, 5 चम्मच यानी कि लगभग 1 कप दही मैंने इसमें डाली है। दही डालने के बाद नमक को तुरंत नहीं डालना चाहिए वरना दही फट जाती है। नमक मैं एकदम आखिर में डालूँगी। अब मैं इसे बराबर चला रही हूँ ताकि तेल और मसाला अलग हो सके। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा यानी कि मसाले से तेल अलग हो जाएगा तभी मैं इसमें पनीर डालूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मसाला मेरा पकने लगा है और मसाले से तेल भी अलग हो चुका है। तो अब मैं इसमें फ्राई किए हुए पनीर को ऐड करूँगी। तो मसाला मेरा बिल्कुल भुन चुका है और फ्राई किए हुए पनीर भी मैंने इसमें अब अच्छे से डाल दिए हैं और इसे मैं बराबर एक कलछी की हेल्प से चला रही हूँ ताकि ये पनीर मसाले में अच्छे से मिक्स हो सके। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूँगी। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लेकर रखा था जो मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। तो ये थोड़ा पानी मैंने इसमें और डाल दिया है। अब इसे मैं बराबर चलाऊँगी। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक यहाँ मैंने 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है और इसे मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो सके और इसे मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकाऊंगी। अब मैं कवर को हटा रही हूँ और इसमें मैं कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ डाल रही हूँ और इसे मैं फिर से कवर करके थोड़ी देर पकाऊंगी। तो ये धनिया की पत्तियाँ भी मैंने मिक्स कर दी और कवर लगाकर इसे मैंने पका लिया है। कवर को मैंने हटा दिया है
मुगलाई पनीर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है, जिसे मैं सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं कटी हरी धनिया की पत्तियाँ डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मुगलई पनीर बनाते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि जो मसाला हम पीसते हैं उसे हमेशा भून कर ही, फ्राई करके ही पीसना चाहिए। इसी से मुगलई पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरा ये कि अगर आप इसमें दही का यूज़ कर रहे हैं तो नमक बिल्कुल आखिर में डालना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये मुगलई पनीर की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये मुगलई पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें ज़रूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शब्बक है।